थोड़ा थोड़ा करके बहुत मेहनत से जमा होती है, और वो इंफॉर्मेशन भी करेक्शंस होते हैं, बात पता चलती है पास्ट, गुजरे हुए पास्ट। कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजी से, जो डिगिंग करते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है, वहां से डिग करके बात पता चलती है। मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, कुरान में ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो हिस्टोरिक पास्ट की है, जो माजी की है, जो किसी को नहीं पता था, कुरान में मेंशन है, और आज वो चीज एक मिरेकल है। मैं आपके सामने तीन मिसालें रखूंगा इसके लिए, या इसकी दो मिसालें, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं, ये टॉपिक में बता रहा हूं सिर्फ। मिसाल के तौर पर कुरान में आता है, अल्लाह ने फरमाया तिल्का मिन अंबाए गैबी नुहीहा इलैक, कि ये गैब की खबरें, अनसील की खबरें, ये हमने वही के जरिए आप पर भेजी। मा कुंता तालमुहा अंता वला कौमुका, ना आप ना आपकी कौम जानते थे, मिन कबली हादा, इससे पहले कोई नहीं जानता था इन खबरों को। आइए मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं, जो हीरोग्लिफिक्स जो है, ये जो आप देख रहे हैं, जो हीरोग्लिफिक्स, ये जो जिस तरह की कार्विंग्स होती है, ये कार्विंग्स का क्या मतलब है? ये इंसानी तारीख में 394 CE में लास्ट हीरोग्लिफिक का इस्तेमाल मिलता है, उससे बाद में इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब ये जो कार्विंग्स के जरिए जो बात कही जा रही थी, ये इस तरह की हीरोग्लिफिक का कार्विंग्स के जरिए, इसका आखिरी इस्तेमाल जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले था तकरीबन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक, यानी 400 साल आफ्टर जीसस क्राइस्ट, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये नॉलेज पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी दुनिया में, उसका इस्तेमाल खत्म हो चुका था, हीरोग्लिफिक का इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और ये चीज जो डिस्कवर हुई, इसका मतलब कोई नहीं समझ रहा था, क्या मतलब है अभी रिसेंट टाइम्स तक। फिर क्या हुआ, आप देखोगे ये जो इस्तेमाल है, इसके बाद कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था हीरोग्लिफिक्स, ये लैंग्वेज को, और इसका क्या मतलब है नहीं समझ रहे थे, कोई नहीं समझ रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नहीं समझाया जा रहा था। फिर क्या हुआ, 1820 में रोजेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिला, और ये पत्थर में आप देख रहे हो तीन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जो हीरोग्लिफिक, डेमोटिक और ग्रीक। अब अगर तीन में से कोई एक भी जुबान मालूम है तो आप बाकी दो समझ सकते हो, ये राइटिंग से तीनों में सेम चीज लिखी हुई, रोजेटा स्टोन से पता चला, ब्रिटिश म्यूजियम में रोजेटा स्टोन मौजूद है। अब उसके बाद जाकर हम देखते हैं कि मोहम्मद सासम के जमाने में तो नॉलेज नहीं थी, 1820 से हीरोग्लिफिक की नॉलेज मालूम पड़ने लगी, इनिशियल डिस्कवरीज हुई, इसका क्या मतलब है, स्टडी हुई, तो जाके मालूम पड़ा कि अच्छा ये दीवारों पे क्या लिखा होता, खाली डिजाइन नहीं, उसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग, वो लिखा हुआ मतलब समझने लगे। तो जो समझे तो उसके अंदर कई चीजें मिली, उसमें से मैं आपके सामने एक दो मिसालें रख रहा हूँ। एक मिसाल आप देख सकते हो कि कुरान में सूरह यूसुफ में, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, जहां कहीं बादशाह का नाम आता है उसे मलिक कहा गया, मलिक, यानी कि पूरा अगर आप सूरह यूसुफ पढ़ो तो 5 बार अल मलिक कहा गया है बादशाह को, मलिक। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में जब भी बादशाह का नाम आता है उसे मलिक नहीं कहा गया, उसे फिरौन कहा गया, 67 टाइम्स कुरान में फिरौन कहा गया, मलिक नहीं कहा गया, फिरौन कहा गया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र में थे उस जमाने में, मलिक कहा गया, ये क्या बात है? तो हम देखते हैं, आज हमें मालूम पड़ता है, ये हिस्ट्री देखी गई तो पता चलता है कि ये जो इजिप्शियन डायनेस्टीज थी ना, वो 31 डायनेस्टीज 8 पीरियड्स में गुजरी। वो डायनेस्टी में आप ये देख रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस जमाने में थे, मिडिल किंगडम से सेकंड इंटरमीडिएट किंगडम में, और वो जमाने में हम देखते हैं कि आज हीरोग्लिफिक स्टडी से पता चला, क्या पता चलता है कि लव्स बादशाह मलिक इस्तेमाल होता था उस जमाने में, फैरो फिरौन नहीं कहा जाता। ये न्यू किंगडम में स्टार्ट हुआ, और लव्स फैरो स्टार्ट हुआ कहां से, न्यू किंगडम में स्टार्ट हुआ। मैंने इसकी डिटेल्स और स्लाइड्स मेरे उस वीडियो में डिटेल में बताया, अभी मैं शॉर्ट में जिक्र कर रहा हूं। और यहां तक आप देखोगे कि बाइबल के अंदर जोसेफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में फैरो कहा गया, किंग नहीं कहा गया, फैरो कहा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में भी। लेकिन ये बात आप देखोगे कि हीरोग्लिफिक स्टडी से पता चलता है, क्या पता चलता है कि बात गलत है, लफ्ज फैरो न्यू किंगडम के जमाने में इस्तेमाल होने लगा, यानी बाद के दौर में, जब मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए उस दौर में कहा जाने लगा, उससे पहले नहीं कहा जाता था। अब बाज लोग जो कहते हैं ना कि कुरान बाइबल से कॉपीड है, अगर कॉपीड होता तो कुरान में भी कॉपी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे फिरौन कहा जाता बादशाह को, फिरौन ने, क्योंकि वहां बाइबल में है कि जोसेफ के टाइम पे किंग को फैरो कहा गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज कुरान में जो बात है, ये चीज इससे पहले नहीं जिक्र थी, मतलब इससे पहले कुरान में परफेक्ट सही इस्तेमाल आपको मिलेगा। एक और मिसाल हम देखते हैं इसकी, ये आपने एक मिसाल देखी, एक और मिसाल हम देखते हैं।
कुरान में अल्लाह ताला ने बताया वो फिरौना दिल अवताद, फिरौन जो अवताद वाला यानी कि स्टेक्स वाला, ये अवताद वतद से आता है, वतद की जमा अवताद है, और अगर आप तफसीर देखोगे तो अवताद का मतलब है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। इब्न अब्बास ने कहा कि फिरौन लॉर्ड ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाता था। उस अद्दहा की तफसीर है कि अवताद का मतलब है बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन। और फैरो रामसेस सेकंड जो मूसा अलैहिस्सलाम का फैरो है, जिसके बारे में हम डिटेल्स मैच करते हैं तो मैच होती है, तो फैरो रामसेस सेकंड जो है वो, उसके बारे में खास आप मिलोगे, ये इसके बारे में पूरी बुक्स लिखी गई है कि उसके जो बिल्डिंग अचीवमेंट्स हर्क्यूलियन स्केल के थे, यानी बहुत बड़े लेवल के। जिल औताद जो कुरान में खास जो उसको मेंशन किया गया है कि फिरौन जिल औताद, तो ये चीज उसके कंस्ट्रक्शन की तरफ जो जिक्र है, ये चीज एक अमेजिंग चीज है जो बाद में जाके पता चली, जब हम देखते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हुई, जाके देखा गया तब पता चला, अच्छा ये फैरो का बहुत बड़ा उसका शार, उसकी पहचान, उसकी खसूसियत, उसकी स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन भी नॉर्मल नहीं, हॉक्यूलियन लेवल के कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने दो मिसालें देखी, और मिसालें अगर आप हिस्टोरिकल देखना चाहते हैं तो आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, और भी दूसरे बहुत सारे लेक्चर्स इस मौजू पे अवेलेबल। नेक्स्ट मैं कुरान का सेक्शन खत्म करूंगा, फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा सा 3-4 मिनट ब्रेक लेंगे, तो मैं थोड़ा सा होकर, आप भी थोड़ा सांस ले लेना, और कुरान का सेक्शन खत्म करके इंशाल्लाह। तो अगली चीज, ह्यूमन एरर, कोशिशों में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती है, इंसान है ना, गलतियां होती है। कोई इंसान ने अपनी बेस्ट कोशिश करके लिखा, बाद का कोई इंसान लगे मिस्टेक निकाले। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह ने चैलेंज किया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, वो लोग कुरान पर गौर व तदब्बुर क्यों नहीं करते। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कथीरा, उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ मिलते, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिलते। तो कुरान में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं। मतलब आप सोचो कि 23 साल तक कुरान नाजिल हुआ, 23 ईयर्स हालात के हिसाब से, सिचुएशन के एतबार से, और कुरान जो ऑर्डर में नाजिल हुआ वो ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट आयत नाजिल हुई सूरह इकरा आयत नंबर 96 में। कई बार बाद के आयतें पहले हैं और पहले की आयतें बाद में। कभी कभार एक ही सूरह के अंदर भी ऐसा होता है कि आगे नाजिल होने वाली आयतें बाद में हैं और पहले हैं। ये ऑर्डर कुरान का अल्लाह की तरफ से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्क्राइब से लिखाते थे तो ये भी बताते थे कि ये आयतें कहाँ आएगी, ये सूरह कहाँ पे आएगी, ये पूरी डिटेल्स बताते थे। अब आप कुरान को पढ़ोगे तो आपको एक सिंगल मैसेज मिलेगा कुरान की। हाँ, और 23 साल के पीरियड में जो कुरान नाजिल हुआ, ऐसा नहीं आपको कहीं एक कंट्रोडिक्शन नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं मिलेगा। जहां पर आपको मिलेगा के, जहां पे आपको ये मिलेगा कि दो आयतें आपस में टकरा रही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोगस क्वेश्चंस उठाते हैं अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ, जिसके जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई एक आपको आयत नहीं मिलेगी जो दूसरी आयत से कॉन्ट्रोडिक्ट करी, अरे बाय मिस्टेक यहाँ ही आ गया, अरे बाय मिस्टेक वहां ही आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने चैलेंज किया है कि तुम ले आओ, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं, लाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो